स्वागत है आपका इंकलाब टीवी में। मधुबनी जिले में भूमि विवाद को लेकर दो गुटों में खूनी झड़प, छह लोग जख्मी। इनरवा पंचायत के खजौली बाजार की ये घटना है। गाली गलौज के साथ शुरू हुआ विवाद रण क्षेत्र में हुआ तब्दील। खजौली पीएससी में सभी जख्मियों का हो रहा है इलाज। पीएससी पहुंचकर खजौली पुलिस जख्मियों से ली फर्द बयान। खजौली थाना क्षेत्र के इनरवा पंचायत के खजौली बाजार में गुरुवार की दोपहर भूमि विवाद को लेकर दो गुटों में हिंसक झड़प हुई, जिसमें तीन महिला समेत छह लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सबों की इलाज खजौली पीएससी में चल रहा है। जख्मियों में एक पक्ष के सुरेंद्र कुमार यादव, लक्ष्मी यादव, मंजू देवी एवं विभा देवी हैं, तथा दूसरे पक्ष के योगेंद्र यादव एवं सुधीरा देवी शामिल हैं। दोनों के बीच भूमि से संबंधित पूर्व से ही विवाद चल रहा था। गुरुवार की दोपहर दोनों पक्ष की महिलाओं के बीच गाली गलौज शुरू हो गई, जो बाद में रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। दोनों पक्ष से ईंट पत्थर, लाठी डंडा एवं धारदार हथियार से हमला किया गया, जिसमें दोनों पक्ष के लोगों का सर फूट गया है। शरीर में कई जगह जख्में आई हैं एवं चोटें आई हैं। इलाज कर रहे चिकित्सक डॉक्टर सुमंत कुमार ने कहा कि जख्मियों के सर में काफी चोटें आई हैं, रक्तस्राव काफी हुआ है, सबों की इलाज चल रही है, सभी खतरे से बाहर है। सूचना पर खजौली एसआई अरुण कुमार पहुंचकर जख्मियों से फर्द बयान ली है। अरुण कुमार ने कहा कि फर्द बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई होगी, मामला में दोषी पाए जाने वाले पे कार्रवाई होगी।